सो गाइस यहाँ पे 60,000 रुपये के बजट में आपको काफ़ी अच्छे गेमिंग लैपटॉप देखने को तो मिल ही जाते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है लेटेस्ट प्रोसेसर या फिर लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ में, वो सारे लैपटॉप्स मैं आपको इस लिस्ट में बताने वाला हूँ। सभी लैपटॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस बात करते हैं इन्हीं लैपटॉप्स के बारे में। सो गाइस पहले लैपटॉप के बारे में बात करेंगे इस गेमिंग लैपटॉप के लिस्ट में, तो यहाँ पे MSI का गेमिंग GF63 थिन लैपटॉप आता है। सो गाइस यहाँ पे अभी जो ऑफर्स आने वाले, जो ऑफर्स लगने वाले, सेल्स लगने वाले, उनमें आपको इस पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। और जितने भी लैपटॉप बता रहा हूँ यहाँ पे आप कार्ड पे ऐड करके रख लो, ताकि बाद में आपको डिस्काउंट काफ़ी अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पे गाइस काफ़ी अच्छे प्राइस में मैं आपको जो भी लैपटॉप बता रहा हूँ आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको i5 का 11 जनरेशन देखने को मिलेगा, जो कि 11400H सीरीज का प्रोसेसर है, जो कि काफी पावरफुल है। यहां पे 144Hz का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन आपके लिए गेमिंग में मदद करने वाला है। 8GB रैम, 512GB की NVMe SSD देखने को मिलेगी। आउट ऑफ द बॉक्स आपको विंडोज 10 देखने को मिलता है, लेकिन काफी इजीली अपग्रेडेबल है ये विंडोज 11 में। यहां पे NVIDIA का GTX 1650 का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, जो कि 4GB का GDDR6 वाला ग्राफिक कार्ड है। सो गाइस लैपटॉप इस प्राइस पॉइंट में वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। 56,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट के आसपास में ये वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है। यहाँ पे इसको मिस मत करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे गाइस, ये वन ऑफ द HP का काफी अच्छा लैपटॉप है। ये HP का विक्टिस है और यहाँ पे आपको AMD Ryzen 5 5600H देखने को मिल जाता है, लेटेस्ट वाला। यहाँ पे 16.1 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 144Hz का डिस्प्ले है, 8GB रैम, 512GB की SSD और GeForce GTX 1650 का ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाएगा, इसमें भी 4GB वाला। और विंडोज 11 होम, आउट ऑफ द बॉक्स, MS ऑफिस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। लैपटॉप काफी अच्छा, और आपको पता है विक्टिस लैपटॉप काफी पॉपुलर है HP के सीरीज में, तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, और इनहेंस थर्मल सॉल्यूशन मतलब कूलिंग सिस्टम भी आपको इसमें काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो आपके लिए ये गेमिंग के लिए बेस्ट बन सकता है 60,000 रुपीज के बजट में। नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करना चाहूंगा, ये है लेनोवो का IdeaPad Gaming 3। यहां पर भी वही सेम प्रोसेसर Ryzen 5 का 5600H देखने को मिल जाता है, फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz का, जो कि यहाँ पे 15.6 इंच का है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी आपको, कोई कमी नहीं आने वाली। लैपटॉप का बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, एंड बैकलाइट कीबोर्ड तो आता ही है, और इसमें भी आपको इनहेंस्ड कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, लेटेस्ट कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, और NVIDIA का GTX 1650 का 4GB का ग्राफिक्स कार्ड भी देखने को मिल जाता है। और हाँ, 8GB रैम, 256GB की SSD और लेकिन अलग से आपको 1TB की हार्ड डिस्क देखने को मिल जाती है। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ये बंडल बन जाता है अंडर 60,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट में। लिंक मैं सभी लैपटॉप का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपको खरीदने में ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे गाइस, ये यहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिलता है Acer का Aspire 7, जहाँ पे आपको i5 का 12 जनरेशन का लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। प्राइस देखो तो 58,000 या फिर 57,000 आप कह सकते हो, बैंक्स की ऑफर अलग से चल रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी इफेक्टिव डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे 8GB रैम, 512GB की SSD देखने को मिलती है, 4GB का ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है, GeForce का GTX 1650 वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है इस प्राइस पॉइंट में, विद i5 का 12 जनरेशन वाला प्रोसेसर, काफी लेटेस्ट लैपटॉप है। लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, डू चेक इट आउट। यहां पे गाइस बात करना चाहूंगा एक और लैपटॉप के बारे में, जो कि Acer की तरफ से आता है, ये है Acer का Aspire 5। ये भी गाइस गेमिंग सीरीज का लैपटॉप आप इसको कह सकते हो। यहां पे i5 का 12 जनरेशन देखने को मिलता है, 12 कोर्स वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वही सेम 8GB रैम, 512GB की SSD, विंडोज 11 होम, 4GB का यहां पे आपको NVIDIA का GeForce RTX 2050 का ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है। लिंक मैं इस लैपटॉप का भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, डू चेक इट आउट। नेक्स्ट और यहां पे लास्ट में जो मेरे लिस्ट में ये लैपटॉप आता है, ये है Acer का Nitro 5। यहां पे i5 का 11 जनरेशन मिलता है, 11400H सीरीज वाला प्रोसेसर, जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देता है, 6 कोर के साथ में आता है। एंड यहां पे आपको 15.6 इंच का फुल HD 144Hz का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो डिस्प्ले क्वालिटी में कोई कमी नहीं आने वाली है। साथ ही गाइस आपको 8GB रैम, 512GB की SSD और GTX 1650 का 4GB का ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाता है। तो हाँ, प्राइस देखो तो 60,000 रुपीज़ के अंदर भी देखने को मिल जाता है, एंड इस लैपटॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। सो बस गाइस, यहाँ मैंने आपको सारे लैपटॉप्स दिखा दिए, सभी लैपटॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पे आपके लिए कौन सा बेस्ट है आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक कर लेना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस मिलता हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।